वातावरण साफ सुथरा रखने सरकार वालों कई तरह के उपराले किए जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार वालों करोड़ों रुपए लगा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि साड़ा वातावरण साफ ते हरिया भरिया रह सके ते सानू साफ स्वच्छ हवा मिल सके ते साड़े शरीर तंदुरुस्त रह सकन। मगर पठानकोट के नीम पहाड़ी एरिया विच वन माफिया वालों पेड़ा की कटाई कर जंगलों उजाड़िया जा रहा है, जिसके चलते साड़ी चैनल की टीम वालों नीम पहाड़ी एरिया के पिंड बलेवा विच जाके देखा कि सड़क च बरसाती नाले दे नाल नाल काफी हरे परे पेड़ा ते कुल्हाड़ी चला इन्हों कट दिता गया सी। जब इस बारे पिंड दे सरपंच नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि साढ़े वालों इन्होंने पेड़ा की कटाई का परमिट लिता होया, जिसके चलद्या असी यह पेड़ कटे हैं। मगर सोचने वाली गल है कि पहला ही नीम पहाड़ी एरिया दे विच पिछले लंबे समय तो लगातार पेड़ा की कटाई के चलते वातावरण से माड़ा असर पै रहा है, जिसके चलते सरकार वालों नीम पहाड़ी एरिया धार विच कटाई पर रोक लगा रखी है। मगर इस दे बावजूद कटाई होना कितना कितने सवाल जरूर खड़े करते होंगे दिखाई दे रहे हैं। जब इस बारे साड़ी गल DFO धर्मवीर नाल हुई तो उन्होंने कहा कि साडे वालों इस एरिया विच कोई कटाई का परमिट नहीं दिता गया, फिर भी साडे वालों इसकी जांच की जाएगी ते जो लोग इस विच दोषी पाए जाते हैं उन्होंने उपर सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आओ तुहानू दिखाने आ पठानकोट तो साडे पत्रकार सुखजिंदर कुंडल की रिपोर्ट। सरकारी नाला कोई नहीं, साढ़े इतने लिंक रोड जो ना ये सारी माकी रखवाए सारा इतने, तो जो सरकारी नाला है वो खड्ड के नाल अलग लगता है, वो काफ़ी दूर है इतों बूटे कटोए। हाँ जी, अभी परमिट लिया है सरकार को, अभी गार्ड साहब आया उन्होंने मार्क किया है, तो इस तरह की कोई गलबात नहीं, जिस तरह कि तुम सोचे करते हो कि शायद गैर कानूनी हो, परमिशन लैके काम किया है। किन्ने बूटे की परमिशन थी? कोई 55 बूटे की परमिशन है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਕੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਬੂਟੇ ਸੁਲਬੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਖੋਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਫਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਟਾਉਣਾ ਪਏ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਕਟੋਏ ਨੇ? ਸੁਲਬੁਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਫਰਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो धन्यवाद आपका कि आप ये मैटर मेरे ध्यान में लाए हो, लेकिन इसमें यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि वो डीलिस्टेड या लिस्टेड एरिया है। जहाँ तक परमिट का सवाल है तो उधर कोई परमिट हमने इशू नहीं किया है सेक्शन 4 वाला, यदि डीलिस्टेड वाला है तो हमें इसकी छानबीन कर लेंगे कि किस एरिया में से वो कटे हुए डीलिस्टेड है या फिर वो परमिट वाला है, और छानबीन करने के बाद ही प्रॉपर हम इसकी रिपोर्ट आपको दे पाएंगे। नहीं, मैं ऐसे देखो, ये है कि यहाँ पे जो अंदर की साइड में रोड जाती है उनके रोड के साथ साथ भी प्राइवेट माल की लगती है, और वो काफ़ी सारा, जैसे दुरंगखड़ की बात कर रहे हो या बलेवा की बात कर रहे हो, इधर के जो पिंड हैं उनमें काफ़ी सारा एरिया डीलिस्टेड हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मौके पे जाके उसकी प्रॉपर देखना पड़ेगा कि कौन सा खसरा नंबर है, डीलिस्टेड है या कौन सा है, वो डीलिस्टेड का है तो उसकी फाइल हमारे पास आई है नहीं आई है, मैं ये सब देखने के बाद ही आपको बता पाऊँगा।